दोस्तों अब जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोने का गड़ा। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है गुलाब की राजकुमारी। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, राज स्टोरी का फोल्डर, उसके अंदर गुलाब की राजकुमारी और प्लेलिस्ट में राज स्टोरी का फोल्डर है, उसके अंदर पढ़ लेना वो कॉमिक आपको। और ये जो स्टोरी यहाँ पे दे रखी है पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा गुलाब की राजकुमारी में। 2 दिन तक खलील खान भूखे पैसे उस पत्री में सवाल ढूंढते रहे। हा 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 ही ही। सवाल ढूंढते ढूंढते तुम पर लोग सिधार जाओगे बड़े मियाँ, हमारे भी जल्दी एक और सिर लटकने वाला है। इस पत्री का सवाल ढूंढ लेने के बाद यहाँ जरूर कोई रास्ता मिलेगा जो दूसरे दरवाजे तक ले जाएगा, क्यों न वह रास्ता ही तलाश किया जाए। लगभग 1 घंटे तक खलील खान वहां कोई रास्ता तलाश करते रहे। हा हा बड़े मियाँ, बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं क्या? हा हा हा। अगर यहाँ कोई रास्ता होता तो हम लोगों का यह अंजाम नहीं होता बड़े मियाँ। अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हम सबका हुआ। हा हा हा। यहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता क्या करूँ मेरे खुदा, मैं तो फटे में टांग अड़ाकर पछता रहा हूँ। इसी में दिमाग पर चीख की जाए शादी से समझने में ही कामयाबी मिले। कितनी देर उलझने के बाद मिल गया सवाल, मिल गया फाता उड़ा के। क्या सवाल ढूंढ लिया? बूढ़ा कामयाब हो गया क्या? सवाल लिखा बड़े मियाँ, इस पत्र में लिखा हुआ कौन सा पेड़ है जिसकी 12 टहनियां हैं? 12 टहनियों में से हर एक पर दो दो गुच्छे लगे हैं, उन दोनों गुच्छों में 30 काले 30 सफेद फल लगे हैं। हा हा बड़े मियाँ, सवाल तो ढूंढ लिया, अब जवाब निकालो तो जान बचे। अरे यह भी कोई मुश्किल सवाल है फाकता उड़ा के, वह पेड़ 1 साल है, साल के 12 महीने, उसकी 12 टहनियां और 30 काले फल 30 रातें हैं, 30 सफेद फल 30 दिन। वह बड़े मियाँ कमाल कर दिया आपने। तभी एक आवाज ने खलील खान को चौंका दिया। तिलसम के पहले दरवाजे को तोड़ने वाले बहादुर सिपाही, आओ तुम्हारा दूसरे दरवाजे पर स्वागत है। और इसके साथ ही अरे यह पत्थर का संदूक तो अपनी जगह से हट रहा है, फाकता उड़ा के गर्र। वो तो तिलसम के दूसरे दरवाजे तक जाने के लिए इस संदूक के नीचे से रास्ता था, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए चाचा जान, खुदा के लिए मैं भी यहाँ से आजाद कराइए। अब चाचा जान कह रहे हैं, पहले तो बड़े मियाँ कह रहे थे। अरे अखेर में नीचे आते ही वो संदूक अपनी जगह वापस आ गया, रोशनी आनी भी बंद हो गई, अभी यहाँ भी कैद हो गया। खैर अल्लाह मालिक है जैसा वो करे, अब मुझे नीचे चलकर देखना चाहिए। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते ही वो फी है क्या आग, और खलील खान आग की लपटों से बचने के लिए जैसे वापस पलटे उनके पैरों के नीचे से सीढ़ियां खिसक गई और वे रिक्त स्थान में गिरते चले गए। उफ, तिलिस में आग से बचने की कोशिश में खलील खान एक कैद खाने में गिरे। ऐ ये हम कहां गिरे? अरे एक ऐसा दरवाजा बिना ताले सांकल के ये खुलेगा कैसे? खलील खान थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गए और बैठते ही अरे एक ऐसा दरवाजा तो सम खुल गया, यानी अब हम यहाँ कैद नहीं है। अरे जैसे खलील खान पत्थर से उठकर खुले दरवाजे की तरफ बढ़े, यह क्या है तो फिर बंद हो गया। कई घंटे तक खलील खान परेशान रहे, जैसे वे पत्थर पर बैठते दरवाजा खुल जाता और जैसे वे दरवाजे की तरफ बढ़ते तेजी के साथ दरवाजा बंद हो जाता। पता नहीं किस गधे ने यह बेउदा तिलसम बनाया, यह भी कोई कैद है कि दरवाजा मुंह चिढ़ाए। अब तो बस थोड़ा आराम कर लो, फिर यहां से निकलने के बारे में सोचूंगा। और जैसे खलील खान ने तकिए पर सर रखा, अरे मोरी हमारी जूम दम, अरे यहाँ भी वैसी पत्री, इसमें इस कैद खाने से बाहर निकलने की तरकीब लिखी होगी, अब इसे पढ़ा कैसे जाए। खलील खान 3 दिन तक भूखे पैसे उस पत्री को समझते रहे, चौथे दिन वह कामयाब हो गए। समझ लिया, यह तो बहुत आसान था, जंगले की 7वीं छड़ दाई तरफ घुमाकर खोलो। वाह मैं तो बड़ी आसानी से बाहर आ गया, अब किधर चलूं? 7वीं छड़ को घुमाते दरवाजा खुल गया और अगले पल खलील खान आजाद थे। उसी समय वो पिया का गोला तो मुझे जलाकर राख कर देगा। ये बहादुर सिपाही तुमने तिलसम के 2 दरवाजे पार कर दिए हैं, अब तीसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक तिलिस्मी तलवार उपहार में दी जा रही है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी बुद्धि परीक्षा ली जा रही थी, किंतु अब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। अगले पल वह आपका गोला फट गया, तो बाप रे धड़ाम, यह लो बहादुर सिपाही,
अब गोले के स्थान पर एक बूढ़ा इंसान नजर आ रहा था। आपको न बुजुर्गवार, मैं कई बार आपकी आवाज सुन चुका हूँ। मैं इस तिलसम का दरोगा हूँ। दरोगा तब आप बता सकते कि मेरी फाकतकालीन और छड़ी कहाँ है। यह सब तुम्हें तीसरे दरवाजे पर मालूम हो जाएगा। उफ, डराऊं। बूढ़ा गायब हो गया। खलील खान तलवार लिए आगे बढ़ गए। खुदा जाने यह गड़ा कब और काम मिलेगा। न जाने पे और क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ेगी। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग, यानी कि अब सुरंग में भी जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं। सुरंग के अंदर कदम रखते ही, अरे बाप रे सांप, फू फू सा, अरे मुंह कटते ही सांप गायब। जरूर ये बै तिलिस्मी सांप रहा होगा। तब एक भयानक विचित्र आवाज ने चौंका दिया। ये क्या बला, हा 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 हा, मेरे मालिक जादूगर भांगड़ा के दुश्मन, एक ही टक्कर में तू चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। हा हा हा, ये तो सचमुच मुझे खुदागंज पहुंचा देगा। मेरे मालिक के दुश्मन बच सकता तो बच मेरे वार से। अरे बाप रे, तो टक्कर मारने आ रहा। धड़ाक, उई मा, गुर गुर, बड़ा खतरनाक है। मुझे हिम्मत से काम देना चाहिए। इस बार खलील खान चूके नहीं और खचाक, गर्दन कटते ही वैराग में बदल गया। ही, खलील खान से टकराने वाले का यही अंजाम होता है, फाकता उड़ा के। सुरंग से बाहर आकर, वाह वाह कितना सुंदर बगीचा है, फाकता उड़ा के। अरे वाह, यहाँ तो मेरे जैसे कई और इंसान भी हैं। यह तो मूर्तियां हैं, दूर से सचमुच की लग रही थी, पता नहीं किस चीज की बनी हुई है। और जैसे खलील खान ने उस मूर्ति को छूकर देखा और भ्यूं, उफ, दम, बेड़ा गर्क हो तेरा, ठहर जा, अभी मजा चखाता हूं तुझे। यह ले कंबख्त, मुझ पर हाथ उठा कर रहा था, धड़ाक। यह क्या गर्दन कटे, यह तो लट्टू की तरह घूमने लगी। अरे यह तो नीचे धसती जा रही है। वह यहाँ तो एक आदमी के जाने का रास्ता बन गया, लेकिन नीचे अंधेरा है, सीढ़ियां भी नजर नहीं आ रही है। आह, उई ठाक, आई सत्यानाश, ऑफिस ने मुझे धक्का दिया था। अगर मैं फर्श पर गिरता तो हड्डियों का भी पता नहीं चलता। आई धम, ट्र ट्र ट्र, बाप रे इतना बड़ा मेंढक, मैं तलवार उठा लूं। खलील खान ने तलवार की तरफ छलांग लगा दी। उसी समय मेंढक ने भी उन पर छलांग लगाई। तलवार उठाकर खलील खान तेजी के साथ घूमे और खचाक, और उसी क्षण मेंढक उनके ऊपर आकर गिरा और पूरी तलवार मेंढक के पेट में धस गई। अगले क्षण आई यह राख में बदल गया। ही ही, इतना बड़ा मेंढक मैंने मार दिया, फाकता उड़ा के। कमरे से बाहर आकर, फलों से लदा बगीचा, वाह वाह कितने लाल सेब है, भूख पेट भर के खाऊंगा आज, फाकता उड़ा के। सेब तोड़ते ही आई यह क्या, फटाक, अरे मोरी हमारी, इतना बड़ा जानवर, हा हा, आज सैकड़ों वर्ष बाद कोई मिला है। अरे यह पगली तो बोलती भी है, कौन हो तुम, सेब से इतना बड़ा जानवर कैसे बन गए। हा हा, मैं जादूगर भांगड़ा का गुलाम हूँ, इस बगीचे में जो आता है वह मेरा भोजन बन जाता है, आज सैकड़ों वर्ष बाद मैं किसी मनुष्य का मांस खाऊंगा। हा हा हा, तू मुझे खाएगा छिपकली की औलाद, मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। खटाक, आह, खचाक, ई, आई गायब, अजीब बात है, फाकता उड़ा के। अब दूसरा सेब तोड़कर फिर किसी नई आफत ने जन्म ले लिया तो क्या करूंगा। नहीं नहीं, अब नहीं तोड़ूंगा। खलील का कुछ आगे बढ़े होंगे कि अरे वाह अंगूर, कितनी बड़ी बेल, आज तो मजा आ गया, आ जाएगा, वो भी है तो टूटती नहीं, मानो लोहे की बनी हो। आई आवाज कैसी, घर, यह तो नीचे जाने का रास्ता बन गया, तो क्या नीचे जाना पड़ेगा। अबू जी अबू जी, अरे फाकता तू, अबू जी नीचे नहीं जाइएगा, तू कहां चली गई थी, तू मुझे छोड़कर कहीं ना जाकर फाकता, अबू जी मैं कैद हो गई थी। तभी तू कैद हो गई थी, कहां कैसे, अबू जी जब आप आए, कौन है, वही अबू जी, आओ बचाओ बचाओ मेरे अबू जी को बचाओ, अबू जी मैं अभी आ रही हूं। अरे बापे इतना बदसूरत दानव, आई इसकी तो बस एक ही आंख है, अबू जी तलवार को मजबूती से पकड़े रहिएगा, मैं इसकी चुटिया नोचू, आह ही ही ही। मैं तोड़ू के, अरे फाकता की चोटी खींचने से वह इतनी जोर से कराया, फाकता बेटी जितनी ताकत से तुम खींच सकते हो इसकी चोटी खींचो, बहुत अच्छा अबू जी,
वही आ जोर लगा के ऐसा ऐसा उचित अवसर देकर खलील खान ने तलवार का वार दानों के हाथ पर कर दिया। तड़ाक उपकटानी सिर्फ जख्मी होकर रह गया। एक तरफ तो फाता उसकी चुटिया खींच रही थी, दूसरी तरफ खलील खान पर वार कर देते। ये सब आकर दानों ने खलील खान को फाता पर खींच मारा। अब्बू जी गुर्र, ऐ खुदा अब्बू जी कसके पगले रहिएगा। गुर्र, अरे तो गुराता हूँ, मेरी ही तरफ आ रहा है, इस बार यह नहीं छोड़ेगा मुझे। फाता जैसे मेरे नजदीक पहुंचे तुम इसकी चुटिया पकड़ लेना। अच्छा अब्बू जी। और फिर जैसे दाना खलील खान के पास पहुंचा, ऐ परवरदिगार हिफाजत करना। अब्बू जी जल्दी, खच तलवार से दानों की छुट्टियां कटते ही धड़ाम अब्बू जी वो गायब हो गया। अरे बाप रे, पता नहीं यार कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, मार खाते गधे के सिर के सींग बन जाते हैं। हाय मेरी कमर, हाय मेरे अब्बू की कमल। कुछ देर बाद, अब्बू जी यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं। एक कमरे का दरवाजा खुला था, खलील खान ने अंदर जाकर देखा तो उछल पड़े। मिल गया सोने का घड़ा, मिल गया, वाह। अंदर आते अबू जी दरवाजा बंद और एक हो गया मुंह तोड़ के, क्या अरे पत्रिया यहाँ भी, एक में तो डिजाइन छा बना हुआ, दूसरे पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है अबू जी? कभी अबू जी बचो, आई अबू जी तलवार से वाल कलो, उफ बाल बाल बचा ड्राम। अबू जी अब क्या सोए, फिर बच गया, यह सब चक्कर क्या है? अबू जी जब आप पत्री देख रहे थे तब कुछ नहीं हुआ था। कितनी देर की जद्दोजहद के बाद खलील खान की समझ में आया, हूं तो यह बात है जब काले पत्थर पर पैर रखता हूं तो खतरा होता है, सफेद पर रखने से कुछ नहीं होता। खैर अब पत्रिया देखूं क्या लिखा उनमें। यह तिलसम का तीसरा व अंतिम दरवाजा है, यहाँ चारों तरफ मौत ही मौत है, जरा सा भी चूक जाने पर मौत आपको निगल जाएगी। सोने का गड्ढा प्राप्त करने एवं मौत से बचने का तरीका बगल वाली पत्रिया में लिखा है, अगर आप ये समझने में कामयाब हो सकोगे तो ठीक, अन्यथा मौत आपका भाग्य बन जाएगी। फाकता बेटी, यह तो बहुत आसान है, फाकता उड़ा के। तो क्या आपने इसे समझ लिया अबू जी? हाँ बेटी, इसमें लिखा घड़े के नीचे एक चौकोर सफेद पत्थर ऐसा है जिसके चारों कोने काले हैं, उसी को 3 बार थपथपाइए, आओ समझ लो वह घड़ा मेरे पास है। अबू जी सफेद पत्थर पे चलना। कुछ ही देर बाद सोने का घड़ा खलील खान के हाथ में था, यह तो ऊपर से बंद है, इसे ऐसे ही लेने दो अबू जी, जब गुलाब की राजकुमारी कहे तब खोलना, तभी यह बहादुर सिपाही तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस तिलसम को तोड़ा है, जाओ अब इस घड़े के मालिक तुम हो, विदा। घड़ा तो हाथ लगी गया, क्यों ने उन कटे सिर वालों को आजाद कर दिया जाए, सोचने भर की देर थी खलील खान ने कटे सिर वालों के हाल में प्रकट हो गए। अरे हम इस कमरे में कैसे आ गए, यह तिलिस में गड़ा है, चाचा जान आपकी हर इच्छा यह पूरी करेगा। तिलिस्म के टूटते ही वहां का जादू भी टूट गया और जो लोग अपने सिर कटाकर छत पर लटके थे वे भी अपनी सामान्य अवस्था में लौट गए। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जान, धन्यवाद चाचा जान, हे भाई साहब, यह तो मेरा फर्ज था फाकता उड़ा के, आप ऐसा नम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, यह आपका कल ही याद रह गया था। कुछ देर बाद खलील खान सबको लेकर खंडर के बाहर आ चुके थे। अच्छा खुदा हाफिज भाई लोगों, अब आप सब अपने अपने वतन को जाइए। खुदा हाफिज चचा जान, चलो कालीन भाई हमें घुमाते हुए हमारे वतन ले चलो, फाकता उड़ा के। वह उड़ने में कितना मजा आता है फाकता उड़ा के, ही ही। हाँ अबू जी मुंह तोड़ के, अबू जी वो कौन आ रहे हैं? अरे मैं क्या देख रहा हूँ, घोड़े उड़ रहे हैं, बाप रे मेरी तरफ आ रहे हैं, ही ही ही। उफ जादुई घोड़े घड़े मुझे बचाओ, अगले क्षण ही ही ही। वाह ये घड़ा तो करामती है, हिन वाह अबू जी ही ही। धड़ाक, बादलों के बीच एक महल में जादूगर भांगड़ा सो रहा था। जब उठ जादूगर उठ, अगर तू आज सोता रहा तो हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा, उठ उठ जा। क्यों चीख रही काली देवी? कह रक्षक जानता नहीं है मेरे आराम करने का समय है, आराम करने से पहले एक बार एक नजर अपने जादुई शीशे को तो देख ले, तेरी मौत निकट है। जादुई शीशे का दर्शन देखकर जादू रक्का बक्का रह गया, क्या संभव, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव, नहीं भांगड़ा भांगड़ा ये हकीकत है, वह तेरी मौत का सामान अपने साथ लिए हुए है। जादू पागल सा हो गया, उसने जादुई घोड़े का पुतला लिया और उसमें एक स्विच बोने लगा और तब
उफ मैं पागल हो जाऊंगा। अपनी पूरी फौज को साथ लेकर जा और इसी क्षण उस मेरे दुश्मन को खत्म कर। दूसरी तरफ कलील का और पाता बड़े जी बड़े अजीब घोड़े थे। अबू जी वो देखो, देखते देखते विशाल चीटियों की फौज ने खलील खां को घेर लिया। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी चीटियां, जादुई घड़े, मैं मुसीबत में हूँ। अगले पल सोने के घड़े से बड़े बड़े मुर्गे निकलने लगे। दयारे दयारे, ये मुर्गे हैं या भैंसे? कुकड़ू कु कु, ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गे जन्म जन्म से भूखे हों और आज पहली बार वे अपना प्रिय भोजन खा रहे हों। कुक कुकड़ू कु, और शायद 5 मिनट भी न बीते हो गए कि चीटियों की फौज मुर्गों के पेट में पहुंच चुकी थी। अबू जी, ये गड़ा तो बहुत कम का है। अरे मुर्गे भी राक्षसों की तरह हवा में ही गायब हो रहे हैं, फट फट टाक। अब मैं क्या करूं, गड़े के बिना तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बागड़ा, क्या मैं भी तेरी कुछ मदद करूं? काली देव के रक्षक, अब तेरा ही तो एक सहारा रह गया है। ठीक है, मैं जाता हूँ। धरतीवासी चूहे, तूने जादूगर बांगड़ा से नहीं अपनी मौत से दुश्मनी मोल ली है। अगर तुझ में ताकत है तो मुझे टक्कर ले। आई खोपड़ी बोल रही है, ही ही, चिटांग भर बराबर की खोपड़ी भेजी है बांगड़ा ने फागता उड़ा के। जय बली बली, फौजे कुछ ना कर पाई तो ये खोपड़ी किया करेगी अबू जी का। ज्यादा खी खी ना कर बूढ़े, मैं तेरी मौत हूँ। जादू गड़े, मेरी मदद कर। हा हा हा, तेरी मदद करने का कोई नहीं आएगा। हा हा, मैं काली देव का भक्त हूँ। अब क्या करूं? अबू जी, जादू चली। सोने के घड़े ने सचमुच इस बार खलील खां की मदद नहीं की। तब उन्होंने जादू छड़ी का आदेश दिया, यह जादू छड़ी इस खोपड़ी को अंडा बना दो जिससे मैं इसे फोड़ कर खत्म कर दूं। अबू जी बचो। हा हा हा, कालीन भाई जल्दी से नीचे। न तो जादू छड़ी ने आदेश का पालन किया और न ही कालीन ने। फलस्वरूप तड़ा। अबू जी, अबू जी वो फिलहाल आला है। खलील खां ने अपने आप को संभाला और तिलस्मी तलवार निकाल दी। हाँ अबू जी, अब ठीक है। खोपड़ी जैसी पास आई, आई कोई असर नहीं हुआ। तड़ाक, खलील खां और खोपड़ी में कितनी देर तक युद्ध चलता रहा, किंतु तड़ाक तड़ाक, किंतु खोपड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ खलील खां जरूर जख्मी। हा हा हा, अबू जी फागता, अबू जी इससे कहो अब इसने हमला किया तो गड़े को तोल देंगे। हाँ अब यही करना पड़ेगा। तभी तड़ाक, बचाओ बचाओ मेरे अबू को बचाओ। आ मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आ अबू जी आप ठीक तो है ना? हाँ वही तो, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? हा हा हा, हाँ अबू जी आप जिंदा है और किसी भले पंछी के घोंसले में आगे ले। हा हा हा, काली देव की मनुष्य खोपड़ी, अब तूने मुझ पर हमला किया तो मैं इस घड़े का क्रियाक्रम कर दूंगा। वो भी आ गया करूं मैं बांगड़ा को, अब मैं नहीं बचा सकता। मैं वापस जाकर बांगड़ा से माफी मांग लूंगा। फिर खलील खान ने घड़े को आदेश दिया, है जादू जी घड़े मुझे तुरंत मेरे वतन पहुंचा दो। अगले पल खलील खान जंगल में तालाब के किनारे प्रकट हुए। वाह चचा जान, आप आ गए। हाँ राजकुमारी, ये देखो मैं सोने का घड़ा ले आया हूँ, अब जल्दी तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ चचा जान, आप जल्दी से आग जलाइए और इस घड़े को आग में जलने दीजिए। तभी हा हा हा, मेरे रहते तो कुछ नहीं कर सके आप बुढ़े। आई कौन? चचा जान, यही वह दुष्ट जादूगर है जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। हाँ मैं ही वह जादूगर हूँ बुढ़े। अच्छा फिर तो अपनी आंखों से देखना कि मैं इस घड़े को कैसे आग लगाता हूँ। इसे जादू के बल पर तो जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा जादू शक्ति इसके पास है, मेरे पास नहीं है। युद्ध करके ही मैं इसे मारा जा सकता है। जादूगर को तलवार निकालता देख खलील खान ने भी अपनी तलवार निकाल दी। हाँ देखे कितना दम है तुझ में, फाकता उड़ा के। नहीं चचा जान, इसे युद्ध में आप हार जाएंगे जब तक घड़ा से सलामत है। यह दुष्ट नहीं मरेगा क्योंकि इसकी आत्मा घड़े में ही है, जैसे मैंने कहा वैसे करने से यह मरेगा। ऐसा फाकता कालीन में सूखी लकड़ियां भरकर यहाँ ले आओ। चल मैं ले जादू कालीन घने जंगल में लकड़ियां लेने मुंह तोड़ के, और जादू कालीन घने जंगल की तरफ उड़ चला। इधर खलील खान जादूगर से भिड़ गए तड़ तड़। कुछ देर बाद फागता कालीन में लकड़ियां भरकर वापस आ गया। तड़ाक, अबू जी सूखी लकड़ियां ले आई हूँ। फागता बहन, कालीन से लकड़ियां जमीन पर उलट दो और चचा जान से जादुई छड़ी ले लो। अच्छा राजकुमारी जी, कालीन भाई लकड़ियां यही उलट दो, यह जादुई छड़ी लकड़ियों में आग लगा दो। अगले पल
जादूगर से लड़ते लड़ते खलील खान ने गड़े को आदेश दिया, तड़ाक तड़ ऐ जादुई गड़े मुझे आग के पास ले चल। अगले पल खलील खान आग के पास प्रकट हुए और यह गया तेरा घड़ा आग में। नहीं 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 मुझे बचाओ, आह बचाओ मैं जल रहा हूँ, बचाओ आह। हा 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 अब पता चल रहा होगा बहुत पाप किए थे तूने, हा 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 आह बचाओ बचाओ। और जादूगर मर गया। चचा जान सलाम आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई तुम, मैं ही राजकुमारी गुलाब हूँ चचा जान, आप कौन है जी? मुंह तोड़ के मैं ही वह बदनसीब राजकुमारी हूँ जिसे जादूगर ने गुलाब का पौधा बना दिया था। आप ही गुलाब बनी हुई थी फाकता उड़ा के जी? चचा जान ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक जिंदगी को बचा लिया। कुछ देर बाद आप पिताजी आपको सही सलामत देखकर बहुत खुश होंगे राजकुमार जी फागता उड़ा के, पता नहीं अब मुझे पहचान भी सकेंगे या नहीं। जब खलील खान राजकुमारी को लेकर गुलाबगढ़ पहुंचे तो राजा हरनाम सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिताजी अरे गुलाब बेटी, मेरी बेटी कहां चली गई थी तू? देख तेरे बिना मेरी क्या हालत हो गई। खलील खान एक सप्ताह गुलाबगढ़ रुके। महाराज ने उनकी बहुत ही आव भगत की, तब भी खलील खान राजकुमारी व महाराज से अपने वतन वापस जाने की इजाजत मांगते तो वे दोनों ही उदास हो जाते। एक दिन खलील खान के बहुत आग्रह करने पर राजकुमाराज व राजकुमारी ने उन्हें इजाजत दे दी और वे फिर आने का वायदा करके वहां से रवाना हो गए। ओ हमें घर से निकले 3 महीने होने वाले हैं, पता नहीं तुम्हारी अम्मा क्या समझ रही होगी। ही वो तो समझ रही होगी अबू जी, दूसरी अम्मी जान ढूंढ ली होगी मुंह तोड़ के। ही जो बड़ी बेशर्मी की बातें करने लगी है तू। अरे अरे सुनते हो, घर में होगी नहीं, देखो मैं क्या लाया हूँ। आ गए आप? जरा वहीं बाहर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अबू जी मुझे अम्मी जान के तेवर अच्छे नहीं जान पड़ते। तड़ाक बताओ कहाँ रहे इतने दिन, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गर्र धड़ाक अबू जी भाग्य अम्मी जान का गुस्सा सातवें आसमान पर है मुंह तोड़ के। बचाओ बचाओ मुझे मेरी बीवी से बचाओ। गुर क्या आप कह सकते हैं कि यह वही खलील था फाकता उड़ाऊ है? ही मुंह तोड़ के समाप्त। दोस्तों को मुझे सिंपल समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और मिलते हैं किसी अगली कॉमेंट्स में।